Hello everyone, welcome back to Nucleotides Biology Discuss. Today we have to continue our paper Reproductive Biology in Angiospermic Plant, and this is your lecture number 24. In this lecture we are continuing from the pollination, and this is your pollination lecture number 2. In the last previous class I have told you that we have to complete the pollination in 2 to 3 lectures, and this is your lecture number 2 for the pollination. In this lecture we will start the cross pollination, and in the last class we have discussed about the cell pollination and what are the adaptation that was taken by the plants for the cell pollination. And in this lecture we have to discuss about the cross pollination and what are the adaptation that are also taken by some plants for the cross pollination, that has to be discussed here. Okay, so let's discuss about the cross pollination first. So what is cross pollination? Kaha ke kohesu ame? Cross pollination माने है ला transfer of pollen grain from anther to the stigma of another flower of the different plant. Okay, so कहना कहला देखो, हमारे इनो कहना transfer of pollen grain रो transfer of pollen grains from the anther केनु बाहर बा anther रू बाहर बा to the stigma केन के transfer होगा stigma निके transfer होगा of के कहर stigma of another flower, आगुटे flower, another flower of another plant or different plant. दुटा plant रा इनो involvement रहुचे. Suppose this is one plant हला, and इतर पक्के हमर flower अच्छे. Okay, and suppose this is another plant हला, इतर गुटा में flower के consider करना. तो इन हमर केतना plant रा involvement रहला, दुटा plant रा involvement रहला. एंड पोलिनेशन कहार भितरे बा ई दुही प्लांट भितरे हबा इतनो पोलन ग्रेन बाहरला एनी पोलन ग्रेन टा इतर स्टिग्मा निके ट्रांसफर हला. ओके, बट एन ता सोर्स ता ट्रांसफर हेने जे परे ना तार लागी कान दरकार हबा किछरा पोलिनेटिंग एजेंट रो दरकार हबा ई फ्लावर रो एंथर टू पोलन ग्रेन के बुही करी नेबा इनके ट्रांसफर करबा सेता के कहमा में काम बलि करी दैट इज कॉल्ड योर पोलिनेटिंग एजेंट जे पोलिनेशन करबार लागी हेल्प करबा गुटे फ्लावर रो आगुटे फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ताके को हम आमे काम बलि करी पोलिनेटिंग एजेंट. जनरली जे देखमा सपोज दिस इज वन पोलिनेटिंग एजेंट मेरा कहर स्ट्रक्चर काडली सपोज दिस वन दैट इज हनी बी हला. हनी बी काना कला अमर ई प्लांट रे आसी करी बसला जे तबला तार बॉडी रे काना लागला पोलन ग्रेन्स माने लागला उड़ी करी गला अमर ई प्लांट रो इनके बसला जे तबला अमर स्टिग्मा ऊपर किछि पोलन ग्रेन जाई करी फॉल कला. तो इनो अमर के इन्वॉल्व हला पोलिनेशन करावर लगी के इन्वॉल्व हला हनी बी. तो हनी बी के हमें काना कहमा ताके कहमा पोलिनेटिंग एजेंट बोली के कहमा. सो अमर हनी बी ओनली नॉट द पोलिनेटिंग एजेंट, बहुत सारा डिफरेंट पोलिनेटिंग एजेंट अछन सतर बाबत रे में डिस्कस करमा. तो पोलिनेटिंग एजेंट बले बुझी पारी थिबो कहा के कहउछु पोलिनेटिंग एजेंट क्रॉस पोलिनेशन करबार लगी गुटे फ्लावर रो आगुटे फ्लावर ने के पोलन ग्रेन ट्रांसफर जे करउछि ताके कहउछु हमें काम रे करी पोलिनेटिंग एजेंट बोली के कहउछु. ओके, सो हम देखो पोलिनेटिंग एजेंट के बेस करी करी क्रॉस पोलिनेशन के डिफरेंट कैटेगरी रे डिवाइड करा जाय छे. पर आगुटे जनिस में कहवार के चाहिए जनरली पोलिनेशन टाइम रे पोलन ग्रेन ही ट्रांसफर हसी. बट एंता गुटे प्लांट रे एग्जांपल में तुमको देनी जेन कि अमर खाली पोलन ग्रेन ट्रांसफर ने हुए से जगह रे अमर मेल फ्लावर भी सेपरेट हो जासी पोलिनेशन रो लागि. ओके, केनो दैट इज इन केस ऑफ वैली सिनेरियो. ओके, कारण कहना देखो जनरली हमर पोलन ग्रेन ही ट्रांसफर हिस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पोलिनेशन. लेट मी राइट हियर, जनरली द पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर ड्यूरिंग पोलिनेशन, ट्रांसफर ड्यूरिंग पोलिनेशन. बट कहना कहला इन सम केसेस जिंदगी वैली सिनेरिया एग्जांपल हला वैली सिनेरिया. ओके, वैली सिनेरिया गुटे हमर एक्वाटिक प्लांट है. इतर केस रे होल मेल फ्लावर सेपरेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पोलिनेशन, इतर केस रे होल मेल फ्लावर सेपरेट ड्यूरिंग पोलिनेशन. इनो क्वेश्चन एस्ती केनो अमर गुड एग्जांपल दियो, राइट एन एग्जांपल वेयर द होल मेल फ्लावर सेपरेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पोलिनेशन, दैट इज इन केस ऑफ वैली सिनेरिया. एंड वैली सिनेरिया गुड कैंप प्लांट है, इट इज एक्वाटिक प्लांट. इतर बाबत रे मैं डिस्कस करमा मोर डिटेल्स. ओके, ई लेक्चर नहीं डिस्कस करबार अछि.
चलो देखो क्रॉस पोलिनेशन के हमें डिफरेंट कैटेगरी रे डिवाइड कर छु ऑन द बेसिस ऑफ द पोलिनेटिंग एजेंट किन पोलिनेटिंग एजेंट इन्वॉल्व हो छ ओके सो ऑन द बेसिस ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट पोलिनेटिंग एजेंट के बेस करी करी हमें काना करमा क्रॉस पोलिनेशन के डिफरेंट कैटेगरी रे डिवाइड करमा ओके पोलिनेटिंग एजेंट हमर काना हि परे गोटे बायोटिक फैक्टर हि परे और गोटे एबायोटिक फैक्टर हि परे ओके देखो काना कहला ते हमर पोलिनेटिंग एजेंट दैट मे बी ए बायोटिक एजेंट हि परे और दैट मे बी एबायोटिक एजेंट हि परे एबायोटिक एजेंट माने जे की पोलिनेटिंग एजेंट हिसाब से काम करबा दैट इज ए नॉन लिविंग थिंग्स ताकि कहमा एबायोटिक एजेंट पोलिनेटिंग एजेंट हिसाब से जे काम करू छे से जे लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो ताकि कहमा में काम वाली करी बायोटिक एजेंट वाली करी कहमा ओके एबायोटिक एजेंट रे वन ऑफ द एग्जांपल हला जेंदे कि हमर वाटर हला एयर हला तो हमर धरिनियो एयर हला एयर देई करी पोलिनेशन हबा जते बले हमर विंड पवन बहुचे से टाइम रे पवन रे गुटे फ्लावर रो एंथर रो पोलन गेन जाई करे ट्रांसफर हला आगुटे फ्लावर निके तो ताके पहमा में काम वाली करी एयर एज द पोलिनेटिंग एजेंट और द विंड एयर और विंड ओके तो हमर एयर द्वारा या फिर विंड द्वारा यदि पोलिनेशन होचे ताके कहमा में काम वाली करी दैट इज कॉल्ड योर एनिमोफिली ताके कहा जैसी एनिमोफिली राइट सिंतामर वाटर द्वारा यदि ट्रांसफर हवा वाटर एक्ट एज पोलिनेटिंग एजेंट वाटर द्वारा यदि हमर पोलिनेशन होचे ताके कहमा में काम वाली करी दैट इज कॉल्ड योर हाइड्रोफिली हाइड्रोफिली पोलिनेशन यदि वाटर बॉडी भितरे होचे पानी भितरे यदि वाटर करंट द्वारा ट्रांसफर होचे पोलन ग्रेन एंथरो स्टिग्मा निके ताके कहमा में काम वाली करी हाइड्रोफिली वाली करी कहमा इतर बाबत रे डिस्कस करमा तापर देखो बायोटिक एजेंट बायोटिक एजेंट माने कण लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व रहबा गुड लिविंग ऑर्गेनिज्म गुड फ्लावर रे बसवा से फ्लावर रो आगुटे फ्लावर निके ट्रांसफर करबा पोलन ग्रेन बले ताके कहमा में काम वाली करी बायोटिक एजेंट वाली करी कहमा यदि हमर एनिमल्स माने दे आर इन्वॉल्विंग इन द प्रोसेस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन ताके कहमा में काम वाली करी जूफिली देखो फाइल लिखली जूफिली जूफिली माने कण ए जगह रे पोलिनेटिंग एजेंट की है the pollination that occurs through the animals can se bhi animals dwara jodi pollination hoche to simply ame ta ke kahma zoophily bolik ke kahma okay senta mor jodi pollination kahar dwara hala jodi amar insects man kar dwara hala pollination that occurs through the insects to ta ke kahma ame kaam bolik ke entomophily bolik ke kahma that is known as entomophily एंटोमोफिली रे हमर काना होचे पोलिनेशन कहार द्वारा होचे दैट ऑकर्स थ्रू द इंसेक्ट्स तबरे देखो हमर जदि पोलिनेशन आउ गिचटा एजेंट जेंता कि हमर इफ दैट इज थ्रू द बार्स किचरा बार्स मानकर द्वारा भी ही परे बार्स मानकर द्वारा हला ताकि कहमा में काम वाली करी ऑर्निथोफिली वाली करी कहमा ऑर्निथोफिली दैट इज द पोलिनेशन दैट ऑकर्स थ्रू द बार्स बार्स मानकर द्वारा पोलिनेशन हला ऑर्निथोफिली वाली करी कहमा यदि हमर पोलिनेशन किछ ता स्नैक्स द्वारा यदि भी हला गुटे स्नैक्स ता गुटे फ्लावर देके मूव करू छे तार बॉडी रे हमर पोलन गेन जे करी अटैच हला देन आउट ऑफ फ्लावर रे कांटेक्ट रासला से टाइम रे यदि पोलिनेशन हो छे थ्रू द स्नैक्स ताके कहम हमें ओफियोफिली वाली करी कहम दैट इज थ्रू द स्नैक्स ओके पोलिनेशन दैट मे आल्सो ऑकर्स थ्रू द एंट्स एंट्स चाटी मनकर द्वारा भी यदि हला ताके कहमा मिर्मिकोफिली वाली करी कहमा मिर्मिकोफिली दैट ऑकर्स थ्रू द एंट्स चाटी मनकर देई करी यदि पोलिनेशन होचे ताके कहमा मे मिर्मिकोफिली वाली करी कहमा देखो नाइट टाइम रे हमर किछटा फ्लावर ओपनेशन एंड गुटे नाइट टाइम रे गुटे वन ऑफ द एनिमल और मामा जे की एक्टिव रहसी दैट इज योर बैट्स यदि हमर पोलिनेशन बैट्स मनकर द्वारा हवा ताके कहमा चेरेप्टरोफिली वाली करी कहमा इधर क्वेश्चन है सी चेरेप्टरोफिली चेरेप्टरोफिली हमें कहा के कहूचो दैट ऑकर्स थ्रू द
बेड्स, पोलिनेशन दैट ऑकर्स थ्रू द बेड्स दैट इज कॉल्ड एज योर चेरिप्टेरोफिली। सो देयर बहुत सारा डिफरेंट पोलिनेटिंग एजेंट्स देखला एंड केन पोलिनेटिंग एजेंट इन्वॉल्व अछे सेटा के बेस करिकि हमें डिफरेंट कैटेगरी रे डिवाइड करूछु। ओके तो हमें फास्ट देखो एबायोटिक एजेंट जे हमर विंड पोलिनेशन रे हमर काणा होछे और एनिमोफिली रे हमर प्लांट्स मान के काणा काणा एडॉप्टेशन अपनावर के पड़ुछे काणा काणा एडॉप्टेशन नवर के पड़ुछे फॉर द एनिमोफिली that we have to discuss, then after that we will discuss about the hydrophily. Okay, so start from the anemophily. What is anemophily? Anemophily mane hala pollination that occurs through the winds or the air. Okay, so in our pollinating agent hala kana, that is your winds are pollinating agent. Okay, and anemophily karbar lagi kana kana adaptation nevar ke padba plant ke. What are the adaptation? Adaptations for the anemophily or adaptation for the pollination through the winds. Kana kana adjustment karbar ke poruche, kana kana features develop karbar ke poruche plant ke for the anemophily that we have to discuss here. Okay, so dekho, first of all, anemophily case re flowers are inconspicuous. First la. जे फ्लावर्स माने देखमा दैट आर इनकॉन्स्पिसियस, इनकॉन्स्पिसियस माने का फ्लावर्स आर नॉट सो अट्रैक्टिव, फ्लावर रो अट्रैक्शन करावर किछ जरूरी नै न। फ्लावर के जदी देखमा कलरफुल फ्लावर केते बेले दरकार हबा जदी कहा के अट्रैक्ट करवार अछि एनिमोफिली रे अमर कहार देखरी पोलिनेशन बा विंड्स देखरी तो विंड्स दैट इज अ नॉन लिविंग थिंग्स है तो विंड्स रो अट्रैक्शन बलवार किछ कैरेक्टर नै न विंड्स केनसी आरे अट्रैक्ट नै हो तो जेतु पोलिनेशन नॉर्मली विंड्स द्वारा हिचे तो फ्लावर्स रो किछि अमर अट्रैक्टिव हवार जरूरी नै न। ओके कि कलरफुल हवार जरूरी नै न फ्लावर्स के, कि फ्लावर के जह ब्राइटर कलर हवार दरकार नै न। सो दैट सेते लागि एनिमोफिली द्वारा जति तार पोलिनेशन होउचे पहला देखला जे फ्लावर्स टा इनकॉन्स्पिसियस रहउचे, फ्लावर्स दैट इज इनकॉन्स्पिसियस। ओके इनकॉन्स्पिसियस माने काना दैट इज नॉट सो अट्रैक्टिव, नॉट सो अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव नहीं रहे हते। ओके देन हमर फ्लावर जे देखमा दैट इज नॉट ब्राइटली कलर, दैट इज नॉट हैविंग ब्राइट कलर, नॉट ब्राइटली कलर सेतके हमर ब्राइटर कलर देखबार के नै मिले जदि हमर फ्लावर्स टा कहार द्वारा पोलिनेशन करछे विंड द्वारा। देन फ्लावर्स रे स्मेल असबार किछ जरूरी नै न, स्मेल जदि आसुतो त बले से आउ किछ अदर एजेंट के अट्रैक्ट करुतो त ई तो पोलिनेशन कहार देखरे बा विंड्स द्वारा हबा तो इतर केस रे देखमा फ्लावर दैट इज नॉट हैविंग एनी स्मेल। ओके दैट मींस नॉट सेंटेड। जंदा के धरन फॉर एग्जांपल आमे माइंड रे अमर केते बेले भी ना से अमर जदि धान रो फूल कहमा, धान रो फूल बेले हमको माइंड रे आसी धान रो फूल थिसी। यस द राइस एंड द फ्लावर्स बट हमें ताके का जे मन ने रखी परवर का जे इमेजिन कर नहीं परवर बिकॉज़ दैट इज नॉट सो अट्रैक्टिव, दैट इज नॉट सो ब्राइट कलर, दैट इज नॉट हैविंग एनी स्मेल्स। ओके दैट मींस राइस केस रे अमर पोलिनेशन कहार देख रही हसी दैट इज थ्रू द विंड्स, राइस हला व्हीट हला और ग्रासेस मान कर केस रे हमर एनिमोफिली हसी। ओके तो इतर ना स्मेल आइ से सेंटेड माने का दैट इज नॉट हैविंग एनी स्मेल्स। ओके तापर देखमा यदि पेटल्स माने भी थिबा वेरी स्मॉल थिबा या फिर पेटल्स ता रिड्यूस करी जाई थिबा, पेटल्स पाखुड़ा माने जे देखमा वेरी स्मॉल और दैट इज रिड्यूस, पेटल्स गाना करसे अट्रैक्शन करसी हमर जन फ्लावर्स रो पाखुड़ा माने अछे समान पर कलरिंग थिसी एंड समाने अट्रैक्ट करबार लगी लार्जर लार्जर थिसन बट इमन कर केस रे किछ अट्रैक्शन रो जरूरी नै न त पेटल्स भी देखमा बहुत स्मॉल साइज रो रहबा एंड रिड्यूस करि जइथवा। देन हमर इमन पर केस रे मेल फ्लावर्स रो नंबर बहुत अधिक रहसी एज कंपेयर टू द फीमेल फ्लावर्स, मेल फ्लावर्स दैट आर मोर। जदि हमर से कैंप प्लांट है जदि से प्लांट अमर काना देखो छ जदि अमर डायोसियस प्लांट
गोटे प्लांट रे मेल फ्लावर अच्छे आ गोटे प्लांट रे फीमेल फ्लावर अच्छे और जदि हमर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स माने भी जदि अच्छे बले देखमा मेल फ्लावर्स दैट आर मोर न्यूमरस इन नंबर ओके इमानकर नंबर जे देखमा बहुत अधिकार होचे का हैला जे जते बले पोलिनेशन हबा विंड द्वारा सपोज इटा हमर प्लांट एंड इनो हमर मनकर इटा मेल फ्लावर्स अच्छे प्लांट रे एंड सपोज दिस इज अनदर प्लांट हैला एंड ये प्लांट रे हमर केन फ्लावर अच्छे फीमेल फ्लावर अच्छे कहार देखि पोलिनेशन हबार अच्छे विंड देखि जते बले पवन देखि हमर पोलन ग्रेन सपोज काना कला इतर नु बाहरला पवन देखि दैट ट्रांसफर करू छ तो पवन देखि जतेला ट्रांसफर करू छ एयर रे जेहेतु ट्रांसफर हो छ तो हमर इन काना अच्छे देयर इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स काना करबा पोलन ग्रेन जते बले मूव करू छ हमर नॉर्मल एयर रे जते बले मूव करू छ से ताके अट्रैक्ट करबा टुवर्ड्स इट्स ग्रेविटी तो हमर किछ पोलन ग्रेन का हबा दे विल फॉल ऑन द ग्राउंड ओके तो हमर पोलन ग्रेन बहुत सारा लॉस हबार चांसेस अछि जते बले पोलिनेशन हो छ से टाइम रे पोलन ग्रेन लॉस हबार चांसेस अछि तो सेते लगे बहुत सारा अधिक मेल फ्लावर इमान प्रोडक्शन करबे जतकी अधिक मेल फ्लावर सतकी अधिक पोलन ग्रेन तो जेते बेले पोलिनेशन हबा बहुत सारा लॉस हबार अछि तो लॉस के हमर सेते के ये करबर लगे लॉस के भरपाई करबर लगे बलिकरे तार नंबर ता बहुत अधिक आसे माने एडजस्ट करबा नहीं मते पोलिनेशन टाइम रे मोर फ्लावर्स रु जेते बेले पोलन ग्रेन रिलीज होछे से टाइम रे बहुत सारा पोलन ग्रेन लॉस हो जाउछे तो से जिन जिनिस रहउछे से कंडीशन के ओवरकम करबर लगे फ्लावर्स रे प्लांट्स रे काना डेवलप होछे बहुत सारा अधिक मेल फ्लावर्स डेवलप होछे बहुत सारा मेल फ्लावर्स पोलन ग्रेन रे लॉस हबा चांसेस होछे से ताके ओवरकम करबर लगे दे प्रोड्यूस मोर पोलन ग्रेन्स ओके सो दे प्रोड्यूस मोर पोलन ग्रेन्स ओके बिकॉज ड्यूरिंग पोलिनेशन देर इज चांसेस ऑफ और मोर चांसेस ऑफ लॉस ओके सो टू ओवरकम दिस कंडीशन ई कंडीशन के ओवरकम करबर लगी बलिक्री दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स ओके व्हाई द एनिमोफिलिक प्लांट दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स बिकॉज़ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पोलिनेशन मोर नंबर ऑफ पोलन ग्रेन मे लॉस्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ओके तो एटा गला हमर काना अनदर कंडीशन जे हमर इमानकर केस रे पोलन ग्रेन बहुत सारा अधिक प्रोडक्शन हबा एंड इमानकर केस रे एंथर ता एक्सपोज सिक्रेसी देखो इमानकर केस रे आ गोटे फीचर्स जे एंथर दैट इज एक्सपोज्ड माने बाहर के देखे हिरि थिबो ताके कहू छ हमें एक्सपोज्ड बलिकरी कहू छ देखो जदी एंथर ता भीतर के जदी थिता फ्लावर्स थिता फ्लावर्स ओपन थिता बट एंथर जदी भीतर के जदी थिता बेले हमर काना नहीं पड़ता बाहर के बाहर बाटा प्रॉब्लम हता पोलन ग्रेन्स के बट एंथर जदी एक्सपोज हिकरे अछे तो काना हबा एंथर ता बाहर के एंथर एक्सपोज हिकरे रहला सपोज फ्लावर हला एंड एंथर एंथर जदी हमर बाहर के एक्सपोज हिकरे रहला बेले काना हबा ई स्विंग करी परबा विंड रे जदी स्विंग करी परला बेले हमर जह पोलन ग्रेन काना हबा विंड द्वारा ट्रांसफर हि परबा ओके सो एक्सपोज हबार द्वारा एंथर काना करी परबा एंथर विल सिंग स्विंग मोर दैट विल स्विंग मोर जतके अधिक स्विंगिंग हबा सतके अधिक पोलन ग्रेन काढे परबा ट्रांसफर हि परबा तो मोर पोलन ग्रेन्स दे विल ट्रांसफर सेतिर लगे एंथर ता एक्सपोज हि करी छि मान कर फ्लावर मान कर केस बुझियला तापर देखो पोलन ग्रेन रो जदी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखमा पोलन ग्रेन ता किन थरे जाउ छे एयर रे जाउ छे एयर रे किए जाय परसी उजनिया ना उसास बेसली उसास ता तो सेते लगे में जे देखमा पोलन ग्रेन रो तार जदी वेट देखमा दैट आर वेरी लाइटर वेट पोलन ग्रेन रो वेट जदी देखमा वेट जदी हमें देखमा दैट इज वेरी लाइटर वेट ओके
देन पोलन के अंदर साइज जे देखमा देयर आर वेरी स्मॉल साइज डस्ट भलिया लागथुबा वेरी स्मॉलर इन साइज ओके देन दे आर ड्राई हवे ना चिपचिपा रहबा ड्राई रहतबा ना उदालिया रहतबा मॉइस्ट रहतबा ना ड्राई रहतबा पोलन के अंदर अमर एयर रे मूव करू छे तो जदि चिपचिपा रहला तो दैट विल हैविंग वाटर कंटेंट जदि रहला तो उजनी है जीवा सो दैट से काना रहस से ड्राई रहस ओके पोलन देन दैट आर वेरी लाइटर वेट दे आर इन वेरी स्मॉल साइज एंड दे आर अमर काना रहउचे दैट आर वेरी ड्राई रहउचे ओके थिक वॉल थिबा ना थिन वॉल थिबा तार पोलन ग्रेन दैट इज आल्सो थिन वॉल पोलन ग्रेन तार जदि वॉल देखमा दैट इज थिन वॉल ओके एडा गला अमर काना दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पोलन ग्रेन्स दैट ऑकर्स इन केस ऑफ प्योर एनिमोफिलिक प्लांट ओके तो अमर एग्जांपल रे लिखि दियो दैट आर दैट इज एनिमोफिलिक प्लांट केन केन टा ऑन अमर जेंटिक अमर ग्रासस टाइप रो प्लांट हेले सब अमर एनिमोफिलिक प्लांट ग्रासस हला जेंदे कि अमर व्हीट हला राइस हला मेज हला तो इटा माने अमर कणान दैट आर एनिमोफिलिक प्लांट ओके एज वेल एज कोकोनट बी दैट आल्सो कम अंडर द एनिमोफिलिक प्लांट कोकोनट एडा गला अमर एनिमोफिली नेक्स्ट ला अमर कणान दैट इज योर हाइड्रोफिली हाइड्रोफिली बाबत रे डिस्कस करमा चलो हाइड्रोफिली हाइड्रोफिली माने का हाइड्रो हमें वाटर केंद्र लगे यूज करसो हाइड्रो वाटर यूज करसो वाटर लगे एंड फिली दैट इज फॉर योर पोलिनेशन सो पोलिनेशन दैट ऑकर्स थ्रू द वाटर करंट दैट इज नोन एज योर हाइड्रोफिली पोलिनेशन थ्रू द वाटर करंट थ्रू वाटर करंट दैट इज कॉल्ड एज योर हाइड्रोफिली तो हमर देखो हाइड्रोफिली हमें जेते बोले देखु सो हमर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ हाइड्रोफिली डिस्कस करमा तार आगरो में किछटा आइडिया दबार के चाहू छे किछटा पोलिनेशन वाटर बॉडी रो भीतर है से किछटा पोलिनेशन वाटर बॉडी रो सरफेस रह से राइट देख किछटा पोलिनेशन जदी हमर इटा जदी हम धरे ने वाटर बॉडी हला एंड इन हमर जदी प्लांट अछि धरे ने ओके जदि पोलिनेशन टा वाटर बॉडी भितरे होचे ई जगह रे जदि होचे तो वाटर बॉडी भितरे जदि रहूचे पोलन ग्रेन टा जदि वाटर बॉडी भितरे जदि फ्लो करूचे भितरे जदि फ्लो करूचे बले सेनो जे देखमा वाटर रो देन ग्रेविटी रहबा ओके वाटर रो देन ग्रेविटी रहबा एंड योर पोलन ग्रेन रो देन ग्रेविटी रहबा समान थिबार कथा ना जहर रहबार कथा ना कम हेले पॉसिबल है वाटर अच्छे वाटर भीतर फ्लोट करूचे राइट वाटर भीतर जदी फ्लो करूचे मतलब पोलन ग्रेन रो तार जन ग्रेविटी रहूचे दैट ग्रेविटी दैट इज इक्वल टू द वाटर रो ग्रेविटी इक्वल टू ग्रेविटी ऑफ द वाटर ओके वाटर रो ग्रेविटी से जगह रे जते रहूचे हमर पोलन ग्रेन रो भी ग्रेविटी जदी समान रहला मतलब वाटर रो भीतर रे हमर फ्लो करबा पोलन ग्रेन आउ किछ रे केस रे देखबार के मिलछे जदी हमर पोलन ग्रेन टा फ्लोट कला ऊपर जदी फ्लोट कला सरफेस ऑफ वाटर रे जदी फ्लोट करूछे धरनीय मतलब ई जगह रे हमर कहार ग्रेविटी अधिक हला वाटर रो ग्रेविटी अधिक हबा ना पोलन ग्रेन रो ग्रेविटी अधिक थिबो ऑब्वियसली वाटर रो ग्रेविटी अधिक रहला एंड पोलन ग्रेन रो ग्रेविटी इन जगह रे काना रहला लेस ग्रेविटी ऑफ द पोलन ग्रेन इज लेस एंड ग्रेविटी ऑफ वाटर दैट इज मोर हियर किछटा अमर पोलिनेशन थ्रो द वाटर जते बले हेसी किछटा वाटर बॉडी भितरे हेसी एंड किछटा केस रे वाटर बॉडी ऊपर हेसी सेते लगे मी कांसेप्ट ता पहला डिस्कस करली तो वाटर बॉडी भितरे होचे ना बाहर रे होचे सेता के बेस करी करी हम हाइड्रोफिलिक के दुटा कैटेगरी रे डिवाइड करूसु गोटे हला हाइपो हाइड्रोफिली आ गोटे हला हाइपर हाइड्रोफिली ओके जनरली अमर समर्स प्लांट्स केसरे ही देखबार के मिलसे पानी भीतर जन प्लांट्स माने तसन समान कर केसरे जनरली अमर हाइड्रोफिलिक कांसेप्ट आउट से बट जदी प्लांट टा जदी बाहर के ओछे माने जदी अमर धरनीय किछ प्लांट्स रो किछ पार्ट्स पानी भीतर थिसी किछ पार्ट्स पानी ऊपर थिसी त
तो सेमानकर केस रे जनरली हमर एयर थ्रो रे पोलिनेशन हेसी या फिर किछ अदर पोलिनेटिंग एजेंट द्वारा भी पोलिनेशन हेसी बट जदी प्लांट्स ता सम्मान्स प्लांट है बुड़ी करी अछे भितरे तो से केस रे हमर हाइड्रोफिली हवा राइट तो हमर हाइड्रोफिली गुटे किछ ता एग्जांपल लेके दऊं डायरेक्टली थ्रू क्वेश्चन हेसी फॉर एग्जांपल में पहला डिस्कस करथिले वेलिसनारिया वेलिसनारिया रे काना हेसी बोली जे कहितली मेल फ्लावर्स ता डिटैच हेसी प्लांट रो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पोलिनेशन राइट तो वेलिसनारिया हला जोस्टेरा हला ओके नाजासला ओके देन सेराटोफाइलम हला दीज आर सम एग्जांपल्स सेराटोफाइलम सेराटोफाइलम यू हैव टू राइट सिंपली दिस शॉर्ट नोट ऐसे बेसिक डिटेल्स लिखवा ना ना शॉर्ट नोट ऐसा जस्ट यू हैव टू राइट दिस द पोलिनेशन दैट अकर्स थ्रू द वाटर करंट दैट इज कॉल्ड योर हाइड्रोफिली बट व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ हाइड्रोफिली देन हमें भीतर के जिमा यहां पे देखा दुटा कैटेगरी रे डिवाइड करछु वन ऑफ दैट इज द हाइपोहाइड्रोफिली एंड अनदर वन दैट इज द एपीहाइड्रोफिली हाइड्रोफिली के दुटा कैटेगरी रे डिवाइड करछु गोटे हला हाइपोहाइड्रोफिली and another one that is the epihydrophilic okay dekho word ro ame bujhi jima kana hetiba actually condition ta hypo mane kana lower okay mane you know water surface ro lower side re pollination haba mane inside the water body there will be occurrence of the pollination inside the water body the pollination will occur pollination takes place okay take kama hypohydrophily bali kiri kama then epihydrophily epi mane kana upper or outer epi mane hala outer mane kana water surface ro upare आउटर सरफेस रे पोलिनेशन हवा ओके सो हियर पोलिनेशन केन जगह रे हवा पोलिनेशन दैट विल ओवर द वाटर सरफेस पोलन ग्रेन टा अमर स्टिग्मा ने के ट्रांसफर हवा केन जगह रे वाटर सरफेस ऊपर रे हवा से त के कहमा में काम बली करी एपी हाइड्रोफिली बली करी कहमा ओके हाइपोहाइड्रोफिली रे पानी भितर दुही प्लांट्स ता थिबे एंड पानी भितर ही अमर कण हवा पोलिनेशन हवा तो अमर इनो धरिलियो ओके मैं लेफ्ट साइड रे हाइपो लिखो छ राइट साइड रे एपी लिखो छ ओके सो सपोज दिस वन दैट इज द वाटर बॉडी हला एंड दिस वन इज वन प्लांट हला दिस वन इज अनदर प्लांट हला एंड हियर आवर फ्लावर अच्छे सपोज ओके अमर इनो भितरे ही प्लांट रो भितरे जतले मेल फ्लावर रो पोलन गन बाहरला वाटर करंट देई करी भितरे ही हला पोलिनेशन बले इन अमर पोलन गन रो ग्रेविटी वाटर रो ग्रेविटी समान रहबा ना कम बेसी रहबा समान रहबा ओके सो हियर अमर इटा पोलन पोलिनेशन केन हला इनसाइड वाटर बॉडी तो इनो अमर ग्रेविटी ऑफ द पोलन ग्रेन ग्रेविटी ऑफ pollen that is equal to the gravity of the water saman rahba okay pollen grain ra gravity aur water ra gravity dui ta saman rahla jekri amar water body bhitre hi amar pollination aba right take kahla ame kam likhi hypohydrophilic bali kiri kahla but epihydrophilic for example vellisnaria case re si epihydrophilic kenta ise dekho ude क्रूशियल थिंग्स इन द क्वार्क के मिल से वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग जिनिस इन द क्वार्क के मिल से जेंटे के जनरली प्लांट्स मान कर न देखवार के नहीं मिले वेलिसनारिया रे काना है से देखो सपोज दिस इज वन वेलिसनारिया प्लांट है ना ओके एंड हियर तार यदि हमें फीमेल फ्लावर देखवा से फीमेल फ्लावर रो तार जन पेडिसेल अछे पेडिसेल टा और फ्लावर रो स्टॉक टा सपोज दिस वन दैट इज द फीमेल फ्लावर है ना राइट
Thousand pedicel disorders than stalk disease. The stalk ta kana chese coiled hekarichis. Right? This one that is coiled pedicel of the plant of female flower. Female flower. Female flower ra tar then pedicel ta coiled hekarichis. Right? And this one that is your water body hala. And amar you know this is another plant hala. And here amar manakar मेल फ्लावर्स इन अच्छे ओके एंड सपोज दिस वन दैट इज द मेल फ्लावर ओके दिस वन दैट इज द मेल फ्लावर जते बले पोलिनेशन हला माने जते बले पोलिनेशन लगे रेडी अच्छे प्लांट मेल फ्लावर दैट डेवलप द मैच्योर एंथर डेवलप करी सारी छि इ टाइम रे हमर काना हबा देखो हमर जे मेल फ्लावर अच्छे मेल फ्लावर पूरा प्लांट रु डिटैच कर जीवा कट हे जीवा मेल फ्लावर जते बले मैच्योर हे जीवा मैच्योर हे गला पोरे ई काना करबा देखो मैच्योर हे साला पोरे दैट विल डिटैच फ्रॉम द प्लांट सेपरेट हे जीवा जतके भी मेल फ्लावर थिवा से माने काना करबे दे विल सेपरेट डिटैच फ्रॉम द प्लांट प्लांट रु जतेले डिटैच हे गले सेपरेट हे करी कट हे करी किन के पले जबा दैट विल फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस जाई करू वाटर सरफेस के जदे छिड़ी गला भीतरू ऊपर के जाई करू काना करबा भासी जीवा एंड भासला भासला जतेले भासबा से टाइम रे जहा पोलन गन बाहरी थबा एथरू सब आसी करी हमर वाटर सरफेस रे पड़बो राइट तो इटा धरि नियो इटा हमर डिटेल छला आ इनके जाई करी हमर मेल फ्लावर टा पड़ला ओके दिस वन सपोज हमर मेल फ्लावर हला राइट सब पोलन ग्रेन माने यहा दे कण हबा दैट विल ओवर द वाटर सरफेस यहा दे वाटर सरफेस ऊपर के हमर मेल फ्लावर्स माने आसे गला ओके तापर हमर कण हबा देखो मेन थिंग्स इज अगर बहुत इंटरेस्टिंग जिनिस हमर जन फीमेल फ्लावर जन तर पेडिसल डा कॉइल्ड हितला से जते बले मैच्योर हे गला न से कण करबा देखो तार जन कॉइल्ड पेडिसेल के काना करबा स्ट्रेच कर देबा माने ऑन कॉइल कर देबा यदि ऑन कॉइल ऑन कॉइल यदि हि जिबा बेले हमर काना हबा पेडिसेल डा ऊपर के उठि जिबा राइट देखो आ गुटे मे जगह रे देखौ छै एटा कॉइल देखै छै ए जगह रे ऑन कॉइल देखौ छै जते बेले हमर मैच्योर हे गेला फ्लावर टा फीमेल फ्लावर टा तार जन कॉइलिंग हितला से कॉइलिंग टा ऑन कॉइल हि जिबा एंड फीमेल फ्लावर से आदे आसी करी के हर कांटेक्ट आसी गेला वाटर सरफेस ऑफ कांटेक्ट आसी इटा देखो ऑन कॉइल्ड पेडिसेल देखै छै इटा ऑन कॉइल्ड पेडिसेल ऑफ द फीमेल फ्लावर ओके कॉइलिंग एकरी थिला ऑन कॉइल हे जिवा एंड ऊपर के पले जिवा वाटर सरफेस निके एंड वाटर सरफेस रे काना भासु छै वाटर सरफेस रे भासु छै पोलन ग्रेन तो वाटर सरफेस रे जदि पोलन ग्रेन भासु छै तार माने काना पोलन ग्रेन रो ग्रेविटी ता अधिक है ना कम है वाटर बॉडी संगे लेस देखो तो इनो देखो ऊपर के पले गला तो ऊपर के पले गला पोलन ग्रेन रो कंडक्टर आसी गला माने इ जगह रे हमर पोलिनेशन हे गला पोलिनेशन सरला परे फिर काना करबा फिर कॉइल ले जीवा आफ्टर कम इन कांटेक्ट विद द पोलन ग्रेन्स अगेन द फीमेल फ्लावर स्टार्ट कॉइलिंग इट्स पेडिसेल देखो इन हमर काना हला ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पोलिनेशन इट ऑन कॉइल्ड इट्स पेडिसेल पेडिसेल टाके ऑन कॉइल कर देला देन वाटर सरफेस रे ऊपर हमर कण हबा आफ्टर कंटैक्टिंग विथ पोलन ग्रेन संगे कंटैक्ट रे आसला पोरे दैट अगेन अगेन काना कला अगेन रिकॉइल हे जबा अगेन फिर से कण हबा रिकॉइलिंग हे जबा ओके लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर द लास्ट स्ट्रक्चर में काटू छे देखा पोलिनेशन सरला परे हमर फेरी फ्लावर टा काना करबा रिकॉइल्ड हे जबा एंड दिस वन दैट इज आवर फीमेल फ्लावर ओके इन हमर काना हि सारी छे पोलिनेशन हि सारी छे पोलिनेशन हि सारी छे तापर हमर आफ्टर फ्यू डेज पोलिनेशन परे काना हबा फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन परे काना डेवलपमेंट हसी सीड एंड योर फ्रूट रो डेवलपमेंट हसी तो फ्रूट टा पानी भितरे ही तर डेवलप हबा राइट सपोज इटा हमर फ्रूट धरिनियो इ जगह रे हला फ्रूट रो जन फॉर्मेशन हबा कहार भीतर फॉर्मेशन हबा दैट विल बी इनसाइड द वाटर बॉडी
राइट तो केते इंटरेस्टिंग काम करू छे और केते इंटरेस्टिंग एडॉप्टेशन लेइ छे टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन ओवर द वाटर सरफेस ओके तो इन अमर पोलन ग्रेन रो ग्रेविटी तो लेस हला दैट इज लेस देन दैट ऑफ द वाटर बॉडी रो ग्रेविटी नो इतर ग्रेविटी ता कम रहसी सेतिर लागि बोलिकरि वाटर सरफेस ऊपर भासी एंड वाटर सरफेस निके अमर फिर फीमेल फ्लावर जाउ छे बाय अनकॉइलिंग इट्स पेडिसल राइट दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल दैट सीन इन केस ऑफ योर वेलिस नारिया ओके तो एटा गला अमर काना आजर लेक्चर रे हम डिस्कस करला एनिमोफिली बाबत रे डिस्कस करला एंड अनदर वन दैट इज योर हाइड्रोफिली बाबत रे डिस्कस करला हाइपोहाइड्रोफिली काना एपीहाइड्रोफिली काना में डिस्कस करला इन द नेक्स्ट क्लास रे हम स्टार्ट करमा अदर पोलिनेटिंग एजेंट दैट इज योर बायोटिक एजेंट्स माने लिविंग ऑर्गेनिजम्स केचटा अछन जेन माने की हमर पोलिनेशन करबार लागि हेल्प करसन किचटा एग्जांपल जिमा एंड सेमान काना काना फीचर्स अंता किछ डेवलप करसन फॉर द क्रॉस पोलिनेशन थ्रू द डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वी हैव टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास ओके I think this lecture will be very, very helpful for all of you, and you all enjoy this lecture. If any doubt, you have to write in your comment section. Please like, share, and subscribe our channel. Thank you.